पहुंच चुकी हूँ आमिर फोर्ट और ये बहुत यूनिक चीज है क्योंकि इन्होंने पहाड़ के ऊपर एक गार्डन बनाया हुआ है बहुत ब्यूटीफुल सा। ये जैसा कि आप देख ही सकते हो गाइस कितना ब्यूटीफुल है और ये पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर है। आमिर को अंबर बोलेंगे, आमिर और अंबर एक ही जगह का नाम है। जिस गार्डन में खड़े हैं उस गार्डन का नाम है दिल आराम बाग, दिल को आराम देने वाला बगीचा, सुकून मिलती है। इस बगीचे के आमने सामने कमरे बनेगी, ये राजा गेस्ट हाउस, राजा गेस्ट आया करते थे, एक तो महिला दूसरी तरफ खुश बैठा करते, वहाँ से हाथी बैठ के जाया करते। जो भी हाथी चलती है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। आमेर के चार तरफ के पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ये 18 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल बना हुआ है जिसके अंदर ही आमेर बसा हुआ है। इसके अंदर 22 छतरियाँ आई है। 500 वर्ष पहले क्या है, मोबाइल टेलीफोन ही हुआ करती थी, तो गार्ड वहाँ रहते थे, गार्ड को नगरा दे दिया गया, दूर से देख लिया करती थी दुश्मन आ रहा है, राजा आ रहा है, प्रजा आ रहा है, उसी हिसाब से अलग अलग म्यूजिक बना रखा था कि कोई आता तो म्यूजिक बजा करके इनको संपर्क में लेता था कि कोई आ रहा है, जिसे मालूम होता जाता था इनको कोई आ रहा है। अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो अटैक करने की तैयारी करती थी, और नहीं तो कोई राजा प्रजा आ रहा है तो उसी हिसाब से ये इनसे निमटती थी। जिस पैलेस को देखने जा रहे हैं इसको 3 राजा मिलकर बनाया था, राजा मानसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा ऋषि, सवाई जैसा। राजा मानसिंह फर्स्ट के जो पूर्वज राजा काकले वो 1036 में यहाँ आए थे और जयगढ़ का फाउंडेशन दिया था। वो पीछे जयगढ़ किला है जो काला कला से लिख रहे हैं ना, वो जयगढ़ किला है। वहाँ से यहाँ आते आते 40 पीढ़ियाँ इनकी गुजर गई, यानी जयगढ़ से आमेर पूरा बनाते बनाते इनके 40 पीढ़ियाँ गुजर गई। 41वीं पीढ़ी का नाम था भवानी सिंह जो इंडियन आर्मी थे। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई थी तो भवानी सिंह को उनको मालवी चक्र मिला था। भवान सिंह को लड़का नहीं, एक लड़की दिया कुमारी से एक लड़का पटना थी जिसे भवान सिंह ने गोद ले लिया और 2002 में उनको गोद लेकर के अपनी संपत्ति के बारिश बन गए। राजा मान सिंह फर्स्ट जो कैसे उपजाने की कोशिश किया थी, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती इसलिए नीचे बरसात का पानी इकट्ठा किया जिसका नाम है माओ ठाव, मानी माओ मतलब बरसात पानी। लेकिन यहाँ ऊपर गर्मी को नहीं रोक पाए जिससे वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी इसको कैसा बात करते, 10 साल पहले पब्लिक अलाउ थी, एक दो बार पब्लिक से बंद कर दिया।
मेरे को ये किला बहुत अच्छा लगा, पर अगर आप यहाँ आते हो तो आपको एनर्जी चाहिए, बिकॉज ये किला आप ये बहुत बड़ा है तो आपको घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, थक जाते हैं बीच बीच में। हाँ, हाइट पे है और आपको चढ़ना भी पड़ता है। ऐसे इट वॉज ऑल द वे वेरी गुड एंड नाइस। तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, बहुत मज़ा आएगा। एंड दिस वॉज माई ब्लॉग, इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।